सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज जो आया है ये सफ़र हम लोग का बहुत दर्द भरा रहा है। एक एक पल हम लोग के लिए बहुत भारी था कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कहीं ऐसा ना केस भटक जाए, कोई कारण लग जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनके सब दलीलों को सुनते हुए सब खारिज कर दिया कि पानी का हवा का हवाला दे रहे थे, जो कि कोर्ट में उनको मेन कुछ ना कुछ ऐसा उनके पास अगर कुछ है तो उनको रखना चाहिए। पॉइंट पॉइंट उन्होंने रखा नहीं, सिर्फ हवा पानी और दुनिया जहान की बात करते रहे। सुप्रीम कोर्ट ने उनका खारिज कर दिया है, मर्सी रिव्यू पटिशन खारिज कर दिया है। और कितनी तसल्ली है सर? तसल्ली तो अभी भी नहीं, जब तक यहाँ लोअर कोर्ट से यानी पटियाला हाउस कोर्ट से नहीं कोई डेट वारंट निकलता है तब तक हमें थोड़ा सा पेनफुल रहेगा समय। अभी अभी यहाँ पे सुनवाई है पटियाला कोर्ट हाउस में, उम्मीद करते हैं कि यहाँ भी उनका डिसीजन हो जाएगा कब फांसी है। पिछली बार कोर्ट ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर ले लिया है, यहाँ पे आप डेथ वारंट चाहते हैं कि इनका आज ही इशू हो, उम्मीद कर रहे हैं कि आज ही डेथ वारंट इशू होना चाहिए? हाँ, क्योंकि हमारा एक हफ्ते का टाइम इसीलिए मिला था कि सुप्रीम कोर्ट में ये आज का पेंडिंग थी, लेकिन आज वो खारिज हो गई तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ भी उनका डेथ वारंट जारी हो। लगता है कि निर्भया को अब इंसाफ मिले, क्योंकि 7 साल भी बीत चुके हैं, अभी लगता है इंसाफ मिले? 7 साल हमने बहुत धैर्य के साथ इस लड़ाई को लड़ा है और अब लग रहा है कि हम फैसले के नज़दीक हैं, अब उनको जल्द से जल्द फांसी होगी और निर्भया को इंसाफ मिलेगा।